सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रद्युम्न निषाद और आप देख रहे हो आप ही का चैनल जिसका नाम है टेक्निकल प्रद्युम्न निषाद। दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेसबुक के बारे में। तो दोस्तों आपने फेसबुक चलाते हो तो आपने जरूरी सुना होगा पोक के बारे में। तो दोस्तों ये पोक का ऑप्शन हमारे फेसबुक ऐप में दिया होता है। तो दोस्तों इस पोक से होता क्या है, पोक का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो दोस्तों पोक का मतलब होता है उंगली करना। तो दोस्तों अपने कई फ्रेंड्स फेसबुक पर देखे होंगे तो बोलते होंगे प्लीज़ यार मुझे पोक कर दे, मेरी लाइक्स ब्लॉक हो गया, मेरा कमेंट ब्लॉक हो गया, तो बोलते हैं प्लीज़ यार मुझे पोक कर दे। तो दोस्तों पोक करने से क्या होता है, उन लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है? दोस्तों पोक करने से अगर आपको 20-30 फ्रेंड, अगर मैं जैसे मेरे कमेंट लाइक ब्लॉक होता है, अगर आप जब से मेरे 20-30 फ्रेंड मुझे पोक कर देंगे तो मेरे लाइक्स और कमेंट्स अनब्लॉक हो जाएंगे, यानी मैं दोबारा से उन दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों फेसबुक पर यही फ़ायदा होता है, पोक कर देता है आदमी तो उसके लाइक्स और कमेंट्स जो भी है अनब्लॉक हो जाता है। चलिए दोस्तों मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नहीं हुए यार तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ। चलिए दोस्तों मैं फेसबुक ऐप पर लेके चलता हूँ। दोस्तों जैसे कि हम फेसबुक ऐप पर आ गए, तो दोस्तों फेसबुक ऐप पर आने के बाद आपको तीन लाइन दिख रहे होंगे, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है दोस्तों। तो नीचे आने में दोस्तों आपको कुछ दिख रहा होगा, चार पांच ऑप्शन। तो दोस्तों करना क्या है, हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, फिर हेल्प सेंटर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हेल्प सेंटर पर क्लिक करने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस है कि हमको दिखा दो पोक ऑप्शन कहाँ पर है। आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊँगा पोक ऑप्शन कहाँ पर है, अब इसको हाइड कर दिया गया है। तो दोस्तों कईयों को नहीं पता तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर सर्च लिख रहा है तो आपको सिंपली यहाँ से सर्च करना है पोक POK। तो दोस्तों आपको सिंपली POK लिख पोक लिख देना है, सर्च कर देना है। सर्च करने में दोस्तों आपको फिर पोक का सेटिंग खुल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो हाउ डू आई पोक समवन ऑन फेसबुक, मतलब मैं पोक कैसे करूँ किसी को भी फेसबुक पर, और वेयर आई कैन सी हाउ मैनी पोक्स आई विड सेंट। दोस्तों जैसे इस क्या मतलब है कि किन आदमी ने, मतलब किस दोस्त ने मुझे पोक किया है, मैं कैसे देख सकता हूँ? तो दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, मतलब मैं पोक करना चाहता हूँ तो आप देखना चाहते हो कि कौन कौन मुझे पोक किया है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो पोक का ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, मैं आपको बैक करता हूँ समझ नहीं। तो दोस्तों अब नीचे आप दिख रहे हैं लिंक दिख रहा है ना आपको कुछ facebook.com पोक, तो सिंपली इसी पर क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ पोक्स खुल जाएगा, जितने भी आपको पोक्स किए होंगे देख सकते हो। दोस्तों आप जिसको भी पोक्स करना चाहते हो, पोक करना चाहते हो, उसका नाम सर्च कीजिए और उसको पोक कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हो जितने भी आदमी ने मुझे पोक किया तो मैं पोक बैक कर सकता हूँ या पोक भी कर सकता हूँ, किसी को भी पोक कीजिए। तो दोस्तों पहले ये सेटिंग हमने ID में दिया करती थी बट अभी हटा दिया गया है, तो आप यहाँ से भी सर्च करके मैं आपको बता दिया हूँ, आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आएगी। चलिए वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ।